हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सौभाग्य आयुर्वेदा। मैं हूं डॉक्टर विजय प्रकाश और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो कि हम लोग अपने घर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तीन बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जिसको हमें अपने घर पे करना है अपने नी पेन की प्रॉब्लम को रिलीफ करने के लिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं। तो आइए आज जानते हैं पहली अपनी एक्सरसाइज के बारे में। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी पेटला की एक्सरसाइज। तो देखते हैं क्या एक्सरसाइज है पेटला की, कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पेटला होता है जिसको भी हम लोग बोलते हैं कटोरी या चपनी भी बोलते हैं और अंग्रेजी में पेटला बोलते हैं। सभी जगह अलग अलग लैंग्वेज से इसको बोला जाता है। तो आप देखते होंगे कि ये बिल्कुल फ्री मूवमेंट करता है। तो होता क्या है कि ये पेटलो फीमोरल सिंड्रोम या कंड्रोम मलेशिया पेटला में ये पेटला का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये पेटला का मूवमेंट, ये पेटलर ग्रूव होता है उसके थ्रू ये ऊपर नीचे चलता है, उसी में ही मतलब ये ऊपर नीचे चलता है और दाएं बाएं भी चलता है। या कंड्रोमलेशिया पेटला में इसका मूवमेंट जब रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो है इसका मूवमेंट जब रेस्ट्रिक्टेड होता है तो हम लोग को करना क्या है, पेशेंट अपने आप ही अपने हाथ से जैसे सपोज ये पेशेंट का हाथ है तो अपने हाथ से इसको पेटला को ऊपर की ओर शिफ्ट करना है। ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट करना है, लगभग 30 सेकंड तक उसको शिफ्ट करना है, ऐसे 30 सेकंड में कम से कम 20-25 बार वो इसको ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, ऊपर की ओर मूवमेंट कराएंगे। फिर उसके बाद नीचे की ओर मूवमेंट कराएंगे, इस तरह से नीचे ऐसे। हाँ, ध्यान ये रखना है कि ये जो मूवमेंट है पेन फ्री होना चाहिए, ऊपर नीचे नीचे नीचे। इसके बाद ये जो साइड है घुटने की, ये साइड लेटरल साइड कहलाती है, ये साइड मीडियल साइड कहलाती है। अब इस पेटला को आपको लेटरल साइड में मूव कराना है, यूं 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 अपने ही हाथ से करेगा पेशेंट इस तरह से। इसके बाद करीब 20 से 25 बार इसके बाद इसका मूवमेंट कराना है अंदर की तरफ। ठीक है, इसको ये मूवमेंट जो है पेन फ्री होना चाहिए। इस मूवमेंट को करने से क्या होता है, जो भी उसके चारों तरफ जो ऑस्टियोफाइट्स बन रहे होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और पेटला धीरे धीरे करके ये कुछ दिनों में फ्री होने लगता है। ठीक है, आप दोनों साइड भी इस तरह से घुमा सकते हैं। तो जो पेटला का जो ग्रूव है उसमें आपको इसका मूवमेंट कराना है, पेटला को फ्री करना है। तो ये है आपकी पहली नंबर एक्सरसाइज। आइए अब देखते हैं अपनी दूसरी नंबर एक्सरसाइज। दूसरी नंबर एक्सरसाइज को करने के लिए कोई भी इस तरह की आप बॉल ले लीजिए, अपने घर में अगर हो बॉल ले लीजिए, बॉल को अपने इसमें घुटने के नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद इसको दबाना है करीब 10 सेकंड तक, दबाइए इस तरह दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से करीब 10 से 20 रिपीटेशन करने हैं आपको। और ध्यान ये रखना है कि बॉल का ही यूज़ करें, कुछ लोग टॉवल का यूज़ करते हैं वो एक्सरसाइज भी ठीक है, बट टॉवल में क्या होता है प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसमें क्या है, जैसे ही आप प्रेशर देते हैं इसमें तो ये नीचे से भी बॉल ऊपर की ओर प्रेशर मारती है, तो इस बराबर से प्रेशर होने की वजह से ये एक्सरसाइज एकदम परफेक्ट रहती है। तो ये थी हमारी दूसरी नंबर एक्सरसाइज। आइए तीसरी नंबर एक्सरसाइज देखते हैं। तो अब आते हैं तीसरे नंबर की एक्सरसाइज में। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको इस तरह की चेयर ले लीजिए, चेयर में आप अपना पैर ऐसे रखिए। ठीक है, पैर को ऐसे रखने के बाद आपको ये दोनों अंगूठों से अपने ये टिबिया बोन के पीछे ऐसे लेके आना है, इसको आगे की ओर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करके आपको ऐसे झुकाना है आगे, ठीक है, और ये अंदर की ओर ऐसे घुमा देना है यूँ, फिर ऐसे वापस जाना है, फिर आगे झुकाते हुए आगे इसको आगे की ओर धक्का देते हुए और यूँ अंदर करना है। ठीक है, ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जिनके नी जॉइंट में मीडियल साइड में पेन रहता है। और मीडियल साइड में पेन इसलिए होता है क्योंकि ये आपके जो दोनों बोन्स हैं खासतौर जब मीडियली साइड में आपस में टच करती हैं तो उनके फ्रिक्शन की वजह से पेन होता है। तो जब हम लोग आगे की ओर धक्का दे करके इसको ऐसे घुमाते हैं तो बीच में स्पेस जो है अच्छे से मेंटेन हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग, इसको आगे ऐसे लेके जाना है और यूँ करके यूँ घुमा देना है। ठीक है, फिर वापस, फिर यूँ करके यूँ घुमा देना है। ठीक, तो इससे आपका जो है फ्रिक्शन कम होगा तो आराम मिलेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी तीन बेसिक एक्सरसाइजेस। आप लोग इसको फॉलो कीजिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर इसके करने के बाद अगर आपको आराम ना मिले या कुछ आराम मिले कुछ बचा रह जाए तो उसके लिए आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, हमारे सेंटर में आ सकते हैं और अपना आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी करा के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो ठीक है दोस्तों, इसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।